शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी जय गुरुजी प्यारी संगत को मुझे ये तो नहीं याद मैं गुरुजी से कब और किस तरह किस ईयर में जुड़ी पर मेरे नेबरहुड में एक आंटी रहती हैं सोनिया आंटी उन्होंने अपने घर सत्संग किया था तो उन्होंने मुझे बुलाया उस वक़्त मेरे को गुरुजी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा आंटी मैं संडे जाती हूँ गुरुजी के आपको कभी जाना हो तो आप बताइएगा आपको ले जाऊँगी तो हम और ये एक बार ओक्टी रोड पे थे तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं गुरुजी का मंदिर सोनिया आंटी कहती है तो हम गए और वहाँ जाके माथा टेका कई दफ़ा जाते थे माथा टेकने फिर ये सत्संग है जब 2019 का जब कोविड चल रहा था बहुत बुरा स्नो स्टॉर्म आया था और रात को टेम्परेचर बहुत गिर गया था और सड़क जो थी बिल्कुल आइस ग्लास आइस की तरह थी और मैं सुबह अपने डॉग को वॉक के लिए लेके गई और मेरे पास जो बूट्स हैं वो इतने हैवी और इतने स्पेशल हैं कि आप स्नो में फिसल नहीं सकते जब मैं इसे वॉक करा रही थी तो मुझे सडनली लगा कि मेरा पैर फिसला मैंने कोशिश करी अपने को रोकने की पर मैं बिल्कुल पूरी फ्लैट फिसल गई बिल्कुल लेट गई और ऊपर देख रही थी स्काई मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अब मैं उठूँ कैसे बिकॉज मुझे तो नहीं पता मुझे कहाँ चोट आई है क्या हुआ है तो मैं धीरे धीरे स्लाइड में होके उठी उठ के घुटनों पे आई घुटनों से उठने की कोशिश करने लगी तो फिसली जा रही थी फिर धीरे धीरे करके मैं स्नो की पाइल पे आ गई फिर उठ के खड़ी हुई जो मेरा डॉग था वो भी घबरा गया वहीं खड़ा रहा मेरे हाथ से भी नहीं छूटा मैं खड़ी हुई और चलने लगी चल के पूरा घूम आई घर आ गई तो मैंने आके अंकल को बताया मेरे साथ ये हुआ इट्स अमेजिंग कि मुझे खरोंच भी नहीं आई कुछ टूटा भी नहीं जैसे जय गुरु जी ने अपना नीचे हाथ रख दिया हो और दूसरा सत्संग है 2021 में मैं किचन में लंच बना के दोपहर का लिविंग रूम से ऊपर जा रही थी सडनली हाथ की फिंगर्स और पैर की फिंगर्स फ्रीज हो गई इट वॉज़ अ माइल्ड स्ट्रोक आई फेल्ट द करेंट सिर से नीचे जाते हुए खैर एनीवे हॉस्पिटल गए डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी उसके बाद मुझे धीरे धीरे बर्निंग सेंसेशन होने लगी एक पैर में हुई डॉक्टर से कहा वो कहता है हो जाएगी ठीक किसी की होती है किसी की नहीं होती धीरे धीरे दूसरे पैर में हुई फिर धीरे धीरे हाथों में आ गई फिर धीरे धीरे फेस पे आ गई गम्स पे आ गई तो मैं सोचती थी हे भगवान ये क्या हो गया गुरु जी ये तो कुछ ना कुछ डैमेज होगा इतनी बर्निंग है ये सब है तो मैं रोज़ सुबह उठ के डॉक्टर तो पेन किलर्स दे देते हैं दे जस्ट ड्रग यू आप खाते और सोते रहते हो कुछ भी नहीं होता तो मेरे को एक दिन आया दिमाग में कि मैं गुरुजी से गुरुजी के रोज़ पैर छूके कहती थी गुरुजी मेरी बॉडी को ब्लेस करो किसी तरह मुझे ब्लेस करो कि मुझे कुछ हो ही नहीं फिर धीरे 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 मेरी बर्निंग जो है रोज़ उनके पैर छूती थी धीरे धीरे मेरी बर्निंग जो है बहुत कम हो गई अब खाली 10% रह गई है जय गुरुजी ये गुरुजी की ब्लेसिंग है जिससे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ गुरुजी ही मेरा मायका है गुरुजी ही मेरी ससुराल हैं एंड आई फील हिज ब्लेसिंग्स ऑल अराउंड मी थैंक यू गुरुजी आप सबको ब्लेस करो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स रखो हमारे ऊपर थैंक यू गुरुजी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय